अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों और उम्मत मुस्लिमा की तमाम परेशानियों को परवरदिगार आलम हल कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलें भाई अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। और आज हमारी किचन में बनने जा रही है शिमला मिर्च, आलू, प्याज, और ऑप्शनल है कि अगर आप डाल लें कीमा तो, वरना ज़रूरी नहीं है। चलें जी, इसकी आपको मैं मसाले जात बता देती हूँ क्या क्या हैं। देखिए, मैंने हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्चें ली हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, नमक हसबे ज़रूरत और इलायची पाउडर हाफ़ टी स्पून, ठीक है, और ज़ीरा जो है वो हाफ़ टी स्पून, और धनिया भी साबित हाफ़ टी स्पून, इसको हाथ पे ददड़ लीजिएगा। हरा धनिया हसबे ज़रूरत अगर डालना चाहते तो डाल लें। प्याज मैंने 4 अदद ली है इस तरह से, टमाटर लिए मैंने 1 अदद, शिमला मिर्च लिए मैंने 1/2 किलो के करीब, आलू मैंने लिए हैं 3 अदद, इस तरह के स्लाइस कर लीजिए आप इसको। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अच्छे से तेल में हम शिमला मिर्च को फ्राई करके निकाल लेंगे, कच्ची पक्की, बस इसका कलर चेंज ना हो, बस यूँ डालें और 2-3 मिनट बाद निकाल लें। प्याज भी इसी तरह से और आलू भी इसी तरीके से। फिर हम उसमें, अगर आप डालना चाहते हैं तो चिकन का कीमा या बीफ का कीमा ले लें, मेरे पास बहुत थोड़ा सा कीमा था, सिर्फ टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ कीमा, वरना अगर आलू और शिमला मिर्च बनाएं तो वो बहुत मज़े के बनते हैं। चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने पैन ले लिया है, उसको गर्म कर रही हूँ और उसमें डाल रही हूँ अब मैं तेल। वेलकम बैक, आप देख सकते हैं कि मैं शिमला मिर्च को फ्राई कर रही हूँ, फिर मैं प्याज को फ्राई करूँगी और फिर मैं इन आलूओं को फ्राई करूँगी, और बस 5 मिनट फ्राई करूँगी सब चीज़ों को, ज़्यादा देर नहीं फ्राई करना है ताकि इसका कलर चेंज ना हो। जब हम शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा बगैर फ्राई किए हुए पका लेते हैं तो वो कीमा शिमला मिर्च बनाएं या आलू कीमा बनाएं या आलू शिमला मिर्च बनाएं तो आपका कलर जो है ना वो शिमला मिर्च का चेंज हो जाता है। इंशाल्लाह इस तरह से बनाएंगे तो कलर चेंज नहीं होगा। चलें फिर मैं आपसे फ्राई करने के बाद मिलती हूँ। ये देख सकते हैं आप कि शिमला मिर्च जो है वो मैंने फ्राई करके निकाल लिए, मैंने आलू डाल दिए हैं और इसके बाद मैं प्याज को जो है वो फ्राई करूँगी। देखिए सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको कलर चेंज किया है, आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने फ्राई कर ली सब चीज़ें। अब ये लहसुन डालूँगी मैं तेल के अंदर थोड़ा सा, अच्छा इसमें अदरक भी रहती, लहसुन चॉप ओवर होता है, और ये थोड़ी सी जो प्याज रहती थी हम ये डाल देंगे। असल में एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से काम हो रहा है, किसी तरह से काम हो सकता है, थोड़ा सा इसको उसको पक्का कर लेंगे। छोटा वाला बेटा शॉप से कीमा नहीं खाता, बड़ा वाला बेटा खा लेता है, छोटे वाले के लिए दही बनेगी, थोड़ा सा तेल बनेगा वो टेस्ट के लिए। और आप नहीं डालना चाहते जो गोश्त हो ना वो डालिए, सब्जी गोश्त को नहीं पसंद करते, फिर सब्ज़ी ही अच्छी लगती है तो वो सब्ज़ी में बना लें, सब्ज़ी में भी ऐसी बनेगा। बस आपको खाली छीने की जगह टमाटर, देख सकते हैं आप लोग जो, बस आपको टमाटर डाल के, गोश्त के बगैर टमाटर डाल के आपका मसाला भून के और फिर ये सारी सब्ज़ी डालनी पड़ेगी। मैं कीमा डाल रही हूँ, मैं इसलिए कीमे को फ्राई करती हूँ कि इसकी जो स्मेल है ना वो निकल जाए। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, सिर्फ 1 टमाटर, यकीन माने हम ये बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है अगर गोश्त के बगैर बनाए तो। चिकन में बना लें, मैं खैर बीफ में बना रही हूँ, टमाटर थोड़ी सी यकजा हो जाए फिर हम इसमें मसाला शामिल कर देंगे। देखो चला रहे हैं थोड़ी देर, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें जीरा और धनिया वगैरह डाल दिया है, हाथ से मसल के डाल दें आप, या जो इमाम दस्ता होता है उसके भूज के डाल दें आप, और ज़रा सा फ्राई कर लें, इसकी खुशबू इतने मज़े की निकल रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत प्यारी खुशबू उठ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सारे मसाले डालेंगे, मसालों के साथ इसको हम 5 मिनट तक भूनेंगे और हल्का सा पानी का छींटा डाल के हम इसको 2-3 मिनट के लिए
जो है यकजा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि कीमा मशीन का था और वो जल्दी से गल जाता है। देखिए मसाले में तेल छोड़ दिया है अपना, बचा हुआ सॉल्ट को हम फ्राई करेंगे और हम इसको रख देंगे गलने। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ज़रा सा छीटा मारा पानी का। अब मैं इसकी आंच को थोड़ा सा हल्का कर दूंगी और इसमें ढक्कन लगा के इसको 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। मैंने पानी बहुत कम डाला है, बहुत कम, क्योंकि ये मसाला जो है ना थोड़ा सा, क्योंकि इसका टेस्ट में छोड़ दिया अपना, ये फ्राई करते करते मैं देखें भून गया है, बहुत थोड़ा सा डाला है जितना कि ये यज्ञा हो गया। चलें फिर इसको लंबे लगाते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर में। चलिए भाई हमारा जो है मसाला तैयार हो गया है, ये देखिए इसमें तेल आ गया है, अलग हो गया है। अब हम ये प्याज आलू शिमला मिर्च के सब एक साथ इसके लगाते हैं। है ना इजी सी रेसिपी और जल्दी से बनने वाली, झटपट। मैं बताओ नान के साथ तो इतने मज़े के लगते हैं, बॉयल चावलों के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, यकीन मानिए बहुत मज़े की रेसिपी होती है। और आप देख लें मैं बगल फिल्टर के आपको ये दिखा रही हूँ कि ये इसका कलर ऐसे ही है। अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। और यहाँ मैं खरी थी काला नमक सेब के साथ, और अल्लाह की कुदरत है ये ना कि फ्रूट से ना आपकी शुगर नहीं बढ़ती, चीनी से बढ़ती है। तो चीनी को अपनी ज़िंदगी से स्किप कर दें और फ्रूट्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, यकीन माने आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। चले भाई आप देख सकते हैं, वेलकम बैक, आप देख सकते हैं कि मेरा जो है आलू शिमला मिर्च प्याज और कीमा तैयार है। इसको डिश आउट करते हैं, खाते हैं, बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है। चलें जी, बहुत मज़ेदार सा हमारा सब्ज़ी तैयार है, शिमला मिर्च आलू की, और बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है। मैं खाना खाने जा रही हूँ, आ जाएँ हमारे साथ खाना खा लीजिए। चलें जी कल मिलूँगी एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ या रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें, और एडवांस में आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।